खबर नागौर के रियामड़ी से है, जहां कोरोना महामारी के दौर में राज्य सरकार ने एक तरफ गरीबों को राहत देने के लिए निशुल्क गेहूं देने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ उचित मूल्य दुकानदार इस संकट के बीच भी बेईमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और पोश मशीन पर लाभार्थी का अंगूठा लगाने वाली प्रक्रिया के बंद होने का राशन डीलर फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ग्राम बिखरनिया के उचित मूल्य के दुकानदार के खिलाफ फर्जी तरीके से गेहूं उठाने की शिकायत मिली है, जिसके बाद उचित मूल्य की दुकान की जांच की गई तो दुकानदार के पास स्टॉक व मूल्य प्रदर्शित करना नहीं पाया गया और ओटीपी के बिना वितरण किए गए गेहूं का विवरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद पादुकला पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।